दुनिया की सबसे लोकप्रिय लीग आईपीएल का आगाज जल्द ही होने वाला है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर के स्टार खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे और बैट और बॉल के बीच कड़ी टक्कर और कड़ी जंग देखने को मिलेंगी। हालांकि आईपीएल के इतिहास में फैंस ने अगर बड़े से बड़े स्कोर बनते देखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार टीम्स बेहद ही निराशाजनक टोटल पर सिमटी है। यही वजह है कि आज हम आपको बताएंगे उन तीन टीमों के बारे में जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे कम टोटल का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, और इस लिस्ट में चैंपियन टीमें शामिल है जो आज के टाइम में चैंपियन है, लेकिन इनके नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज है। लेकिन क्या इस बार भी यानी आईपीएल 2022 के अंदर भी क्या ऐसा हो सकता है? अगर पहले हुआ है तो इतिहास दोहराया भी जा सकता है। तो आखिर वो तीन टीमें कौन सी हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं आईपीएल के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर हम जानना चाहेंगे आईपीएल 2022 के अंदर आपको क्या लगता है कौन सी वो टीम है जो सबसे कम टोटल पर ऑल आउट हो सकती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। चूंकि बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईपीएल का सीजन 15 जल्द ही शुरू होने वाला है, ऐसे में सभी टीमों की निगाहें आईपीएल के खिताब पर बनी हुई होंगी। आईपीएल ने दुनिया भर के देशों को कई सारे बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं, वही दुनिया भर के दिग्गज प्लेयर्स भी इस लीग में शामिल होना चाहते हैं। इस लीग में हमने कहीं से कहीं बेहतरीन फिनिशर्स को देखा है, ऑलराउंडर बैट्समैन को देखे हैं, वो अपनी टीम को बेस्ट टू बेस्ट स्कोर तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आईपीएल के इतिहास में तीन ऐसे मोमेंट भी आए हैं जब ये तीन टीमें सबसे लोएस्ट स्कोर पर आउट हो गई। आइए जानते हैं कि करके इन तीन टीमों के बारे में। नंबर तीन पर आती है दिल्ली कैपिटल। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम रनों का टोटल बनाने वाली टॉप तीन टीमों की लिस्ट में दिल्ली कैपिटल का नाम तीसरे पायदान पर आता है। साल 2017 में दिल्ली कैपिटल बैटिंग लाइनअप में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए थे। इस मैच में दिल्ली कैपिटल की पूरी टीम महज 66 रनों पर ही सिमट गई थी। मैच के दौरान हरभजन सिंह और कर्ण शर्मा जोड़ी ने तीन तीन तो वहीं तेज गेंदबाजों के सुमार लसित मलिंगा, मिचेल मैकलोगन और जसप्रीत बुमराह ने एक एक विकेट हासिल किया था। दिल्ली कैपिटल को मैच में 146 रनों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा और दिल्ली कैपिटल की इतनी बड़ी शर्मनाक हार कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल कर देती है। खैर, आईपीएल के सबसे पहला टाइटल जीतने वाली राजस्थान रॉयल की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर काबिज है। राजस्थान ने साल 2009 में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आरसीबी के सामने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे। उस मैच के दौरान राजस्थान रॉयल की टीम 134 रनों के टोटल को जेज करते मैदान पर उतरी थी, लेकिन कुंबले ने अपनी फिरकी में पांच खिलाड़ी को फंसाया, जिसके बाद राजस्थान रॉयल टीम सिर्फ 58 रन ही बना सकी और 15वें ओवर में ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल के नाम यानी राजस्थान के रजवाड़ों के नाम ये एक बहुत ही बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। लेकिन इस लिस्ट में पहला नाम तो भला कौन भूल सकता है। आईपीएल में सबसे कम रनों में टोटल का स्कोर बनाने वाली लिस्ट में आरसीबी की टीम टॉप पर है। सितारों से सजी बैंगलोर की टीम ने साल 2017 में केकेआर के खिलाफ खेलते हुए यह अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस मैच के दौरान आरसीबी 131 रनों का लक्ष्य का ही पीछा कर रही थी, जिसके बाद आरसीबी बैटिंग लाइनअप केकेआर के गेंदबाजों के आगे ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। आरसीबी की टीम ने मैच में सिर्फ 49 रन ही बनाए थे, जिसके बाद उन्हें 82 रनों से हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, 49 रन, जहाँ क्रिस गेल अपनी एक पारी के अंदर 150 से भी ज्यादा रन बनाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी टीम महज 49 रन पर ऑल आउट हो जाती है आरसीबी की एक टाइम के दरमियान, ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। ये वो तीन टीमें थी, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है और इस बार आईपीएल के अंदर सबसे कम लोएस्ट स्कोर पर कौन सी टीम आउट हो सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।